नमस्कार, आप देख रहे हैं आरए न्यूज। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। निजी सरकारी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहने वाले हैं। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर सीएम योगी ने ये आदेश जारी किया है। स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपी में 4 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो। आपको बता दें कि यूपी में लगातार कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 918 नए केस सामने आए हैं। वही कोरोना संक्रमण की वजह से 10 लोगों की मौत भी हो गई है। वही सबसे गंभीर हालत तो राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ में 446 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण के मामलों में राजधानी लखनऊ सबसे ऊपर है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 4 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रहने वाले हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या वो निजी स्कूल हो। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कोविड 19 मामलों में वृद्धि के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने कक्षा 8 तक के स्कूलों को 24 से 31 मार्च तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे। वहीं ऐसे शिक्षण संस्थान जहां 25 से 31 मार्च तक कोई परीक्षा नहीं हो रही थी, उन्हें भी बंद रखने के निर्देश जारी किए गए थे। और अब इस आदेश को बढ़ा दिया गया है, यानी अब 4 अप्रैल तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, चाहे वो निजी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल। तो यूपी में पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। 4 अप्रैल तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहने वाले हैं। यूपी में बढ़ते हुए कोरोना ग्राफ को देखते हुए योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। एक बार फिर से स्कूल बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, सभी स्कूल 4 अप्रैल तक बंद रहेंगे। यूपी में जिस तरह से कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, इसी को देखते हुए सीएम योगी ने 4 अप्रैल तक स्कूल बंद रखने का निर्देश दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, एक बार फिर से स्कूलों को बंद करने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, देखिए अनुभव, आपको बता दें जिस तरह से कोरोना काल की बात करते तो फिर से दूसरी लहर जारी हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से कहीं ना कहीं इससे जो चिंता सरकार की बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार आए दिन जो केस जो देखने को मिल रहे हैं, तो लगातार कहीं ना कहीं देखिए जो बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी इसका जो असर खासा देखा जा सकता है, क्योंकि लगातार जो दूसरी बार भी जो है 4 अप्रैल तक जो कॉलेज जो है बंद किए गए हैं। तो लगातार जो निजी स्कूल है और जो सरकारी स्कूल है वो एक कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो है 4 अप्रैल तक जो है बंद किए गए हैं। तो आप बता दें जो प्रशासन का जो शासन का जो आदेश है वो कहीं ना कहीं जो है दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो कोरोना काल देखते हुए ये जो फैसला जो है लिया गया है। जी सत्यवीर, शिक्षा विभाग का अगले शिक्षा सत्र के लिए प्लान क्या है, क्योंकि कोरोना की वजह से बच्चों की पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। देखिए बिल्कुल, लगातार आपको बता दें जब से कोरोना आया है तब से जो लगातार बच्चों की पढ़ाई में लगातार इसका जो असर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार कई महीने जो कॉलेज बंद रहे थे, तो उसी को देखते हुए कुछ दिन पहले जो फिर से कॉलेज खोले गए थे, वही बात करते हैं कोविड 19 के, तो वहाँ जो पूरा जो पालन किया जा रहा, तो लगातार इसी को देखते हुए फिर से जिस तरह से जो आए थे जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बात करते हैं यूपी की, तो लखनऊ में लगातार जो काफी जो देखने मिले हैं केस, तो लगातार आप बता दें उसी को देखते हुए ये जो फैसला लिया गया, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं उनमें जो है कोविड 19 का कहीं ना कहीं असर ज्यादातर देखने को मिलता है। तो लगातार जो है इसमें जो देखने की बात ये होगी कि जो बच्चे होते हैं उनमें जो ज्यादा। सत्यवीर, अगर बात बुलंदशहर की करें तो बुलंदशहर में कोरोना का भी क्या हाल है, वहां पर क्या लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह का पालन कर रहे हैं या नहीं? देखिए बात करते हैं बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में बता दें आपको कि जिस तरह से कि फिलहाल बात करते हैं कोविड 19 के केसों की, तो लगातार जो थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि फिर भी जो है इन लोगों को जो सावधानी बरतनी जरूरत है, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग का उसका पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरह से कोविड 19 के दौर शुरू हो चुका, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर जो बढ़ सकता है। तो आपको बता दें बुलंदशहर की बात करते हैं तो जैसे ही होली पर्व था, तो लगातार जो लोगों में काफी लापरवाही देखने को मिली थी, उसी का जो कहीं ना कहीं जो है असर देखा जा सकता है, क्योंकि बुलंदशहर की बात करते हैं लगभग जो है 14 केस जो 24 घंटे में आए हैं। तो लगातार देखिए अभी कुछ दिन पहले बात करते तो 1-2 केस डेली आ रहे थे, तो आज कल की बात करते हैं तो लगभग समथिंग 14 केस जो है कोरोना संक्रमित जो पाए गए। तो करते हैं होली पर्व की, तो कहने के लोगों में इस बात की लापरवाही देखी गई, उसी का जो असर देखने मिल रहा है। जी
कल 1 अप्रैल से वैक्सीनेशन के एक और चरण की शुरुआत होने वाली है, तो क्या वैक्सीनेशन की गति को बढ़ाने की भी जरूरत है? बिल्कुल, देखिए सीएम योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इस बात का जो कल जो गाइडलाइन जारी की है और बताया जा रहा है कि जो कोरोना वैक्सीनेशन है इसका जो इसको बढ़ाया जाए और जो चेकअप का जो परीक्षण है वो भी जो है क्षमता उसकी बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार जो जिस तरह केस बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं जो सरकार जो चिंता कहीं ना कहीं बढ़ गई है। तो लगातार आपको बता दें कि कल 1 अप्रैल से जो है 45 से ऊपर जो भी वृद्ध हैं उनको जो है कोविड-19 दी जाएगी। जी अगर बात हम टेस्टिंग की करें तो खुद सीएम योगी ने भी लखनऊ में होने वाली बैठक में कहा था कि टेस्टिंग को भी बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल, देखिए कल भी एक गाइडलाइन कही है, ऐसे ही गाइडलाइन जारी की है जिसमें जो टेस्टिंग है उसको लगातार उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह केस बढ़े तो कहने की चिंता सरकारी चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि कई देशों में छूटे दफा खबर मिल रही है कई जगह जो है नेट कर्फ्यू लगा दिया है और कई जगह ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कर्फ्यू लगाना पड़ जाए। तो लगातार जैसी चिंताजनक जो स्थिति बन रही है वो कहीं ना कहीं जो है अपने आप में एक भयानक बनती जा रही है। जी सत्यवीर, कहीं ना कहीं लोगों में डर खत्म होता जा रहा है कि लोगों को लग रहा है वैक्सीन आ गई है तो अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देखिए कहना कि लोगों में इस बात का काफी लापरवाही देखने मिल रही है, क्योंकि लोग बात ये कहते हैं कि काफी लोगों से हमने इससे इसी जानकारी ली, लोगों ने ये कहा कि जहाँ जहाँ पर रैली हो रही है वहाँ कोरोना नहीं है, जहाँ रैली नहीं हो रही वहाँ कोरोना है। तो लोगों के अंदर ये अंदरूनी जो भावना कहीं ना कहीं बनी हुई है, तो इसी को देखते लोग जो लापरवाही बढ़ते हैं उसी का जो असर खासा जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों में ये सोच है उनकी कि ये बताया जा रहा है कि जहाँ जो रैली हो रही है वहाँ जहाँ फंक्शन हो रहे हैं वहाँ कोरोना नहीं है और जहाँ कॉलेज है वहाँ जो कोरोना सरकार की तरफ से बताया जा रहा है। तो लगातार जो लोगों की जो सोच है कहीं ना कहीं जो नेगेटिव है उसी का जो लगातार जो असर जो सरकार की चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है और जो असर देखने को मिल रहा है। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए, बने रहेगा।